ख्वाजा बरादरान की जमानत की दरख्वास्तें, लाहौर हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच दरख्वास्तों पर समात आज करेगा। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया, नैब के साथ मुकम्मल तआवुन किया, तमाम रिकॉर्ड फराहम किया। ख्वाजा बरादरान का मौक़िफ़, अदालत जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे, ख्वाजा साद और सलमान रफीक की इस्तदा। साबिक DIG जुनेद अरशद के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस, मुलजिम को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम साबिक बीवी की गैर अखलाक की तस्वीर को अपलोड करने पर पहले ही गिरफ्तार था। मुलजिम जुनेद अरशद ने आमदन से जायद असासे बनाए और बैंक ट्रांजैक्शन की नैब का मौका। दोस्त के साथ मिलकर अपनी बीवी को तशद्दुद, सर के बाल काटने का मुकदमा, दोनों मुलजिमान को आज मॉडल टाउन कचहरी अदालत में पेश किया जाएगा। मॉडल टाउन कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहिद जिया मुकदमे की समाअत करेंगे। मुलजिमान में मियां फैसल और राशिद अली शामिल, पुलिस तफ्तीश बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। एहतजाज और धरने के बाद क्लासेस का बायकॉट, प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का फैसल चौक में धरना 7वें रोज में जारी। आज से पूरे पंजाब में क्लासेस के बायकॉट और कॉलेजेस के बाहर धरने देने का ऐलान। कॉलेजेस में 10 बजे के बाद तदरीसी अमल का बायकॉट करेंगे सदर PPLA हाफिज अब्दुल खालिक की गुफ्तगू। हुकूमत ने लिफ्ट कराई और ना असातिज़ा की हुई सुनवाई, मुतालिबात मंजूरी तक धरना जारी रखने की धमकी। प्रोफेसर्स के बाद UET के असातिज़ा भी सड़कों पर आने के लिए तैयार, यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की मुदाखलत नामंजूर। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के असातिज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुतालिबात तस्लीम ना होने पर क्लासेस के बायकॉट की धमकी। यूनिवर्सिटी को हम चलाते हैं, सेक्रेटरी HUD नहीं असातिज़ा। GT रोड पर एहतजाज का भी ऐलान। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफा, नई कीमत 98 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 6 रुपये महंगा, 117 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल और लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 3-3 रुपये फी लीटर इजाफा, नई कीमतों का इतलाक हो गया। पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बोले, कौम को एक बार यकीन हो गया है कि हुकुमरान चोर हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना इंतहाई अफसोसनाक इकदाम है और हम इसे मुस्तरद करते हैं और नामंजूर करते हैं। फिल फॉर हुकूमत ये इकदाम वापस ले और कीमतें कम करें। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आने को तैयार, अशियाए खुरनोश दालें घी सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने का इम्कान, शहरियों में तशवीश की लहर। अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा नामंजूर, ड्रग लॉयर्स फोरम मैदान में आ गई। इबादत रोड पर अहम इजलास, अद्वियात की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी करार, CEO ड्रैप शेख अख्तर को बरतरफ करने का मुतालबा। 20 अप्रैल से मुल्क गिर एहतजाज की भी धमकी। गाड़ी में आग भड़क उठी, सुंदर के इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी पुल से टकराने से आग भड़क उठी, हादसे में कार सवार महफूज, रेस्क्यू के अमले ने आग पर काबू पा लिया। डॉल्फिन फोर्स का अहलकार जिना अस्पताल में जान की बाजी हार गया, डॉल्फिन फोर्स का अहलकार चंद रोज कबल ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुआ था। जिना अस्पताल अंडरपास पर ट्रक ने डॉल्फिन बाइकर को टक्कर मारी थी। नवाकोट पुलिस की कार्रवाई, आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली, भारी मकदार में बारूदी मवाद बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। आतिशबाजी के सामान में दस्ती बम पटाखे और दीगर सामान शामिल, मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी पुलिस। सब्जाजार के इलाके बी ब्लॉक में फायरिंग, टांग पर गोली लगने से 29 साल नबील जख्मी, जिना अस्पताल मुंतकिल। जख्मी नबील के भाई के मुताबिक नबील झगड़ा छुड़वाने गया जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग की, मुलजिमान में यासीन वक्कार नसीर शामिल, नबील महकमा पुलिस में बतौर बारबर के फराइज सर अंजाम दे रहा है।
सोच बदली न थाना कल्चर। शहर में पुलिस के निजी टॉर्चर सेल का इंकशाफ। बादामी बाग पुलिस ने 16 साल तालिब इल्म को मुबैना गैर कानूनी हिरासत में लिया और फिर मुकामी फैक्ट्री में बनाए गए टॉर्चर सेल में रखा। लवाहकीन का अहले इलाका से मिलकर बादामी बाग थाने के बाहर शदीद एहतजाज। पुलिस अहलकार की ठुकाई कर दी और हथकड़ी में जकड़े तालिब इल्म हसन को बाजियाब करा लिया। CCPO लाहौर का नोटिस। SSP ऑपरेशंस को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। असद जावेद बड़ाई सेंट्रल जेल फैसलाबाद से। सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल लाहौर तैनात। कैंप जेल से कैदी फरार होने के बाद सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल को मुअत्तल किया गया था। ब्यूरोक्रेसी के मामलात कैसे बेहतर बनाए जाएं। 4 साबिक चीफ सेक्रेटरी समेत आला ब्यूरोक्रेसी की अहम बैठक। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर की तमाम अफसरान को खाने की दावत। आला ब्यूरोक्रेट PTI हुकूमत पर बरस पड़े। अफसरान के बार बार तबादलों से मसाइल पैदा हो रहे हैं। पंजाब के महकमों में काम रुक गए। कई मामलात में सियासी मुदाखलत हो रही है। अफसरान की गुफ्तगु। विफाक और पंजाब में अफसरान का दुरुस्त इंतखाब न होने पर भी तहफ़ुज़ात। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान को अहम इख्तियारात मिल गए। शहबाज गिल को तमाम सूबाई महकमों की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार होगा। सुबह भर के कमिश्नर्स, डेप्टी कमिश्नर्स, IG, RPOs और DPOs को मुरासला जारी। उस्मान बुज़दार पंजाब के कप्तान हैं। जो जिम्मेदारी लगाएंगे पूरी करूंगा, शहबाज गिल का ट्वीट। आला सवारी बेहतरीन सहूलियात। खाने पीने का उम्दा इंतजाम। TV, Wi-Fi, साउंड सिस्टम भी मौजूद। मुल्क की पहली VVIP ट्रेन नॉन स्टॉप जिना एक्सप्रेस लाहौर से कराची चली गई। ट्रेन में 262 मुसाफिर सवार। 15 घंटों में कराची पहुंचेगी। 15 अप्रैल से ग्रीन लाइन ट्रेन का लाहौर से कराची का टिकट 6,500 रुपये में मिलेगा। मुल्क को लूटने वालों को पैसा वापस करना ही पड़ेगा। वज़ीर आज़म और पार्टी करप्शन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। तनख्वाहों में इजाफे का बिल गलत तौर पर पेश किया गया, वज़ीर आज़म ने मुस्तरद किया। मुशीर वज़ीर आज़म नाईम उल हक की मीडिया से गुफ्तगू। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत गजुमता इंटरचेंज पर चेयरमैन PHA यासिर गिलानी के हमरा पौधा लगाया। शाजरकारी मुहिम में प्राइवेट सेक्टर को भरपूर मदद फराहम करने का ऐलान। अमरीकी शहरी रिक्शा चलाकर कराची से लाहौर पहुंच गया। गवर्नर पंजाब ने गवर्नर हाउस में खुश आमदीद कहा। गवर्नर की आध घंटे अमरीकी शहरी अलेक्जेंडर से मुलाकात। गवर्नर चौधरी सरवर ने खुद भी गवर्नर हाउस में रिक्शा चलाया। पाकिस्तान में सयाहों की सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात को यकीनी बनाएंगे, गवर्नर की गुफ्तगू। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती का अंदाज। पाक व्हील्स और PHA के इश्तराक से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कार और मोटरसाइकिल रैली। एट लिबर्टी चौक से जिलानी पार्क तक रैली में शहरियों की भरपूर शिरकत। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने भी बाइक रैली के इंतजाम देखे। सरपरस्त अंजुमन अशात दीन इस्लाम अलामा मुनीर अहमद यूसुफी की तबीयत नासाज। मुफ्ती मुनीबुररहमान ने अलामा मुनीर अहमद यूसुफी की आयादत की, सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुफ्ती मुनीबुररहमान कहते हैं, मुनीर अहमद यूसुफी जैसे आलम दीन कौम का कीमती सरमाया हैं। सुई नॉर्दर्न गैस की डोमेस्टिक विजिलेंस टीम की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। शेरावाला, पुराना कहना और मिस्री शाह में गैस चोरी पकड़ ली। 3 कनेक्शन मुनकता, जुर्माने भी किए गए। पाँचवीं और आठवीं जमात के नतज का ऐलान। पाँचवीं के इम्तहान में कामयाबी का तनासब 88% और आठवीं का 87% रहा। लाहौर का कोई तालब इलम टॉप 3 पोजिशन में ना आ सका। लग्या की तुबा मरियम और उकाड़ा के मोहम्मद हमजा की पाँचवीं जमात में पहली पोजिशन। मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद शर्जील और बिहाड़ी की शहवार अनम की आठवीं जमात में अव्वल पोजिशन रही। मोटिवेशनल स्पीकर और कोच डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने डिफेंस में काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मारूफ गुलकार आरिफ लोहार और बिलाल सईद की भी शिरकत। डॉक्टर शबाना मुफ्ती कहती हैं, लाइफ कोचिंग का मकसद अपने बहन भाइयों की मदद करना है। लोग अपने मसाइल पर बात करने से डरते हैं।
جنا خدمت خلق ایسوسیشن فلاحی انسانیت میں پیش باغ جنا میں 150 مستحق بچیوں کی شادی کی تقریب جہیز کا سامان بھی دیا گیا تقریب میں چیف پیٹرن میاں داؤد افضل ڈیپٹی میئر میاں طارق اور سابق کرکٹر مشتاق احمد کی بھی شرکت قومی ہیروز کی تصاویر ملک کی ثقافت کے رنگ شہر کی دیواروں پر رنگوں کی بہار اے پی ایس سکول ماڈل ٹاؤن کی دیوار پر پینٹنگز طالب علموں نے تصاویر کے ذریعے امن کا پیغام دیا زیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش مختلف اقسام کے رنگ برنگے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز بڑی تعداد میں فیملیز کی آمد پھولوں کی بہار اور میوزک کے تڑکے نے ماحول کو اور خوبصورت بنا دیا زیلانی پارک میں فلاور شو مقابلوں کے پوزیشن ہولڈرز کی پذیرائی صوبائی وزیر حسنین بہادر دریشک نے انعامات سے نوازا اور حضرت مادھو لال حسین کی اس کی 3 روزہ تقریبات چراغوں کی روشنیاں مچ جل رہا ہے لگاتار عقیدت مندوں کی ڈھول کی تھاپ پر دھمال